सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने मांगी टीम इंडिया से माफी, कही बड़ी बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 4 मैचों की टेस्ट सीरीज अब खत्म हो चुकी है। जैसे कि आप जानते हैं, टीम इंडिया ने इस सीरीज में इंग्लैंड को 3-1 से हराकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली है। तो ऐसे में शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने टीम इंडिया से माफी मांगकर सभी को चौंका दिया है। दोस्तों, आपको बताएंगे कि आखिर अंग्रेज कप्तान ने अचानक भारतीय टीम से माफी क्यों मांगी, क्या है इसकी बड़ी वजह। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वहीं दोस्तों, अगर आप टीम इंडिया की शानदार सीरीज जीत से खुश हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आपका ज्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 4 मैचों की सीरीज का आखिरी मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में भारत ने इंग्लैंड को पारी और 25 रनों से करारी मात दी। इसी के साथ भारत ने सीरीज पर भी 3-1 से कब्जा कर लिया। सीरीज के चौथे टेस्ट मैच की दूसरी पारी में इंग्लैंड की टीम ने अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन के सामने घुटने टेक दिए और पूरी टीम महज 135 रन पर ही सिमट गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड के सारे 10 विकेट अक्षर पटेल और रविचंद्रन अश्विन अपने नाम किए। अब दोस्तों, टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट का एक बड़ा बयान आया है। भारत के खिलाफ सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने इसकी वजह बताई है। रूट ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हमारे पास मैच जीतने का मौका था लेकिन हम नाकाम रहे। इस मामले में पिछले 3 मैचों में भारत हमारी टीम से बेहतर रहा और उन्हें इसका श्रेय देना चाहिए। सीरीज को ऐसे खत्म करना हमारे लिए निराशाजनक रहा है, लेकिन हमें एक टीम के रूप में आगे बढ़ना चाहिए। वहीं दोस्तों, आखिरी टेस्ट मैच इंग्लैंड की एक पारी और 25 रनों से हार के साथ खत्म हुआ। इसके साथ ही खत्म हुआ भारतीय पिचों को लेकर खड़ा किया गया बवाल। पूर्व इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन के अलावा इंग्लिश मीडिया के एक हिस्से चेन्नई के दूसरे और अहमदाबाद में हुए तीसरे टेस्ट की पिच को लेकर काफी हंगामा किया था। चेन्नई में पहला टेस्ट जीतने के बाद इंग्लिश टीम की तारीफें होने लगी थी, लेकिन दूसरा टेस्ट में हार के साथ ही पिच पर दोष निकाला जाने लगा। जाहिर तौर पर पहले टेस्ट के मुकाबले पिच आसान नहीं थी, लेकिन भारतीय टीम ने भी इन्हीं पिचों पर बेहतर प्रदर्शन कर जीत दर्ज की और सीरीज अपने नाम की। जबकि आखिरी टेस्ट की पिच तो बल्लेबाजी के लिए एकदम अच्छी मानी गई थी, फिर भी उस पर इंग्लिश टीम बेदम नजर आई और भारतीय गेंदबाजों के सामने रन बनाने के लिए तरस रही थी। अब दोस्तों, पिच पर मचाए बवाल को लेकर इंग्लैंड के कप्तान ने अपनी गलती मानी है और कहा कि हमें पिच को दोष नहीं देना चाहिए था, बल्कि हमने सही रणनीति से भारतीय स्पिन गेंदबाजी को नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से हम फेल हो गए। हमने अपने ऊपर ज्यादा ही दबाव ले लिया, जिसकी वजह से हमारी बल्लेबाजी खराब हुई। इस गलती को हमें स्वीकार करनी होगी और आने वाले T20 सीरीज में बेहतर प्रदर्शन करना होगा। वहीं रूट ने अच्छे इंतजाम के लिए टीम इंडिया का धन्यवाद भी किया।